दिग्विजय सिंह पर कार्तिकेय सिंह चौहान ने पलटवार किया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कार्तिकेय के एक बयान पर नसीहत दी थी कि पिता से सीखो, और इस पर कार्तिकेय सिंह चौहान ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा कि दो बार के सीएम दिग्विजय सिंह जी अलग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे स्पीच सुनते हैं, तो मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं पर कार्तिकेय ने डराने के आरोप लगाए और दिग्विजय सिंह के शासनकाल को लेकर निशाना साधा। और दरअसल बुधनी में कार्तिकेय सिंह चौहान ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि कांग्रेस का विधायक जीत गया तो क्षेत्र में एक ईंट भी नहीं लग पाएगी। इस बयान पर दिग्विजय सिंह ने कार्तिकेय को नसीहत दी थी कि अपने पिता से कुछ सीखे। मेरे लिए तो ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय चाचा साहब मुझे और मेरे बयानों को इतनी नज़दीकी से देखते हैं, इसके लिए उनका आभार। और दूसरी तरफ जहां उनके बयान का सवाल है, जहां कांग्रेस के बयानों का सवाल है, उनके नेताओं के बयानों का सवाल है, वो सब डरने डराने की बातें करते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा आदरणीय दिग्विजय चाचा, अगर डर किसी को लगता है तो बुधनी की जनता को आपके उन 10 सालों से लगता है जिसमें आपने प्रदेश को विनाश की कगार पर छोड़ दिया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।